हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड की तरफ से एग्जाम्स को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ऐसे ही स्टडी और जॉब्स के रिलेटेड हर एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के भूगोल विषय की बोर्ड की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा हाल ही में 30 मई को जारी किए नोटिस के अनुसार भूगोल विषय की परीक्षा जो है 8 जून 2020 को सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक होगी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ साथ परीक्षा के दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनके अनुसार परीक्षार्थियों और परीक्षा संचालन में नियुक्त स्टाफ को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए आधा घंटा पूर्व अपने केंद्र में आना पड़ेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा बता दें, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 12वीं की कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स साइंस, योगा और भूगोल की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया था। हालांकि हिमाचल बोर्ड ने हाल ही में नोटिस जारी किया है जिसमें भूगोल विषय की परीक्षा को छोड़कर अन्य सभी पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। इन पेपरों के मार्क्स अनिवार्य विषयों के पेपरों में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे। वहीं बोर्ड ने 30 मई को जारी किए एक नोटिस में घोषणा की थी कि राज्य में स्थित सभी विद्यालयों में के गर्मी की छुट्टियों को 1 जून से 15 जून तक बढ़ाया जाता है। सो ये था हिमाचल प्रदेश बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन। सो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।